अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। जैसे कि मिनी जू में आ गया था और आपको बताया था कि क्या करना है, और उसने तो अपना अंडा ख़राब कर दिया, मैंने फेंक दिया अंडा, आपने देखा होगा वीडियो में। और जो है कि अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ही पेट्स के ऊपर नहीं है, पेट्स के लिए अच्छाई के ऊपर है। मतलब जैसे हमारा मिनी जू सुंदर और ब्यूटीफुल लगे और खूबसूरत लगे, इसलिए क्या करना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए। आपको बताया था जैसे कि पिछली वीडियोस में कि अभी यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस देख लें चैनल में जाकर, और फिर आप ये देखें, आपको फिर ये वीडियो समझ आएगी। चलते हैं और आपको दिखाते हैं मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ पौधे उगाने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं पहले तो छलियाँ जो वेजिटेबल्स के लिए होती हैं, ये आपके लिए बेहतरीन है, छत के लिए बेहतरीन काम है, ये आप देख सकते हैं। फिर जो है कि सॉइल यूज़ करी है मैंने, ये है कंपोस्ट, और जो है कि ये है कोकोपीट, इसके नीचे मतलब मैंने डाल दी। और अभी आप देख सकते हैं इनको करूँगा मैं मिक्सिंग, और मिक्सिंग करके जो है कि उसमें भरी हुई है यही पॉटिंग मिक्सचर भरी हुई है, और जो है कि इन दोनों में भर के फिर जो है कि जो बीज मेरे पास पड़े होंगे, मतलब जो है कि शौक तो हम मेरा शुरू से ही है ना पौधों का, जो मतलब बीज मेरे पास पड़े होंगे तो मैं वो ही बीज यहाँ में उगा दूँगा, फिर देखते हैं उगते हैं कि नहीं। मैं ये तब तक मिक्सिंग कर लूँ और तब तक वीडियो को स्टॉप करता हूँ, फिर वीडियो को ईजी करके मतलब आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कैसे भर लिया। और मतलब पहले तो आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने बनाई है, कैसे मैंने मिक्स कर लिया है मिक्सचर को, और बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने इसमें डाल दिए। और बाद में जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मतलब उगाने के ऊपर, सीड्स डालने के ऊपर। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह तब तक पौधे ग्रो हो चुके होंगे, उग चुके होंगे इंशाल्लाह। और जो है कि वीडियो को मैं कर रहा हूँ अभी स्टॉप, मैं सारी मेहनत करने के बाद जो है कि हमारा पॉटिंग मिक्सचर अब हो गया है रेडी, और अभी जो है कि तैयार है बिल्कुल ही, इसमें पौधे ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं, और अभी बिल्कुल ही तैयार है इनको अपने पॉट्स में डालने का। यही बस रह गया है इनको अपने पॉट्स में डाल दें और फिर जो है कि बीज ढूँढ कर इनमें बीज डाल दिए जाएँ। मैं जब तक ये इनमें डाल दूँ तब तक वीडियो को करते हैं स्टॉप। चलते हैं, मिट्टी डाल देता हूँ मैं उसमें, फिर वीडियो को ऑन कर। फाइनली जो है कि हमारा सेटअप हो चुका है रेडी, और जो है कि सॉइल्स हमारी बिल्कुल ही हो चुकी हैं पूरी, और यहाँ पर अभी जो इंतज़ार किया जा रहा है तो मतलब पौधे लगेंगे यहाँ पर, मतलब अपने ही घर के ग्रो करेंगे, बाहर से नहीं लेंगे, बीज लेंगे ज़्यादा, और वही ग्रो करेंगे हम, आपके साथ हर बात शेयर करेंगे। ये आपको दिखाते चलूँ कैसे ये बन चुका है इनका मतलब ये प्लांट सेटअप, और एक कभी रहते। ये तो जो है कि अभी बनाई है, और वो बनी हुई थी तो वो उसमें मतलब वो वाली पड़ी थी नीचे, क्योंकि आपको बताया जो मैं शौक है इसका मेरा मुझे, और एक की जगह अभी रहती है यहाँ पर, डक्स ने पता नहीं क्यों शोर मचाया हुआ है, सर में दर्द कर दिया, पता नहीं हुआ क्या है। हमको पता नहीं क्या हुआ यार, शोर पे शोर किए जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ है इनको, अंडा तो दे नहीं रही और ये चली गई बाहर। और कबूतरों को मैंने नीचे किया हुआ तो फिर से ये पागल कबूतर ऊपर आ गए, ये इसका मेल है कमीना पागल, मतलब ये आप देख सकते हैं ये इधर है तो ये इधर है, पता नहीं क्या होगा इनका, मुझे कुछ भी नहीं पता, पागल जोड़ा है ये इधर आके बैठ गए दोनों, इनका भी पता नहीं क्या हुआ है, ये पर अपना घर यहीं पर बना रहे हैं, ये डक्स हैं और बाहर आ गई हैं उन्हें ये देख कर। और अभी जो है कि कबूतरों को करने लगा हूँ बंद, और सबको कर दूंगा बंद, और जो है कि मुर्गियों और डक्स को खोल दूंगा, इनको खाना शाना दे दूंगा, उनको अपने घर में ही खाना शाना दे देता हूँ। चलते हैं खाना शाना देते हैं, ये इनका सेटअप बन चुका है, यहाँ पर पौधे लगना बाकी हैं, और चलते हैं खाना शाना देता हूँ।
फाइनली जो है कि मैंने मुर्गियों और जुइनिया फॉल्स को खोल दिया था और इनको अभी बाहर निकाल दें, चलते हैं। ये खुद ही निकल जाएंगी बाहर, देखें कैसे निकल गए। डक्स को थोड़ा टाइम लगेगा अभी, आ गई अभी, पता नहीं क्या था इनको। और जो है कि ये डक्स भी आ गई, जुइनिया फॉल्स भी आ गई और मुर्गियाँ भी आ गई। अभी ये खुद ही अपना खाना खाएंगी, ये देख सकते हैं। सो मैं थक चुका हूँ, बहुत सारा काम किया है, अगर आप देख सकते हैं। ये मुझे इस बात का डर है कि ये ख़राब ना कर लें यार, मिट्टी को बाहर ना फेंक दें, क्योंकि यार इनको, मुर्गियों को, डक्स को और मतलब तीनों चीज़ों को मिट्टी में रहने का बहुत शौक है, मतलब इनको मिट्टी में रहना बहुत पसंद है। ये रहती मिट्टी में। सो ये देख सकते हैं बाजरा वगैरह खा रही हैं, जुइनिया फॉल्स भी, और जो है कि कबूतरों को उधर मैंने दे दिया था, कबूतर भी खा रहे हैं। सो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को करते हैं नहीं, ये आप देख सकते हैं वो वाले कबूतर भी खा रहे हैं। सो ज़्यादा लॉन्ग इस वीडियो को करते हैं नहीं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर दिए। आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, न्यू व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू अपडेट के साथ। अभी के लिए चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।